तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज पर नया खुलासा हुआ है। जैन को मसाज देने वाले की पहचान रिंकू के रूप में है, जो रेप का आरोपी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके यह आरोप लगाया। आपने कहा था कि जैन मालिश नहीं बल्कि जेल में फिजियोथेरेपी करा रहे थे। पिछले दिनों बीजेपी ने 3 दिन का जेल का वीडियो जारी करके आपको घेरा था। उस वीडियो में सत्येंद्र जैन थेरेपी मसाज या मालिश कराते दिख रहे हैं और आपने इसे जैन के इलाज का हिस्सा बताया था। इसके बाद अब वीडियो वॉर की नई सीरीज सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी सीधे सवाल कर रही है कि रेप आरोपी मसाज कर रहा है सीधे केजरीवाल से, इस पर जवाब मांगा गया है। तो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज का यह पूरा मामला एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ ये तब गरमाया जब ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था और ये कहा गया था कि देखिए किस तरीके से जेल में बंद एक अपराधी की मसाज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब एक और आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये रेप का आरोपी है जो मसाज कर रहा है। तो मसाज देने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये बीजेपी कह रही है, क्योंकि जब ये वीडियो सामने आया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि फिजियोथेरेपी हो रही थी उस समय जो वीडियो बीजेपी ने जारी की। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट था ही नहीं, वो एक रेपिस्ट है। अरविंद केजरीवाल जी, जिसको कट्टर ईमानदार कहकर उसका बचाव करते हैं, उन्हें 5 महीने से जेल से राहत नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यह पाया है कि वो हवालेबाजी कर रहे थे, कोर्ट ने उन्हें जेल में रखा है, परंतु उनको सजा देने के बदले वहाँ पर उनको वीवीआईपी मजा दिलवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर मंत्री बनाए रखने का दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें केजरीवाल जी शायद खुद ही डरे हुए हैं, तो वो उनके कोई भी राज ना उगल दे, और दूसरी बात वहाँ पर मंत्री रहते हुए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए मसाज भी करवाते हैं और वसूली भी करते हैं। तो बीजेपी का कहना है कि मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला रेप के आरोपों में जेल में है, नाबालिग से रेप का आरोप उस जो शख्स मसाज कर रहा है उस पर है, और ये अब तस्वीर के तौर पर बीजेपी ने जारी किया और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए बीजेपी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब दिखा रहा है कि रेप का आरोपी कर रहा था जैन की मालिश, अब ये बड़ा सवाल यहां सामने आता हुआ दिख रहा है और इसी के इर्द गिर्द अब जवाब भी देना होगा यहां पर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पहले जब ये वीडियो सामने आया था तो ये वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि ये वीडियो दरअसल मसाज नहीं फिजियोथेरेपी है। सुनील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीनियर पीआरओ हैं वो तिहाड़ जेल के। सुनील जी, सबसे पहले जरा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक शख्स इस तरीके से लाभ वहां पर उठा पाए, किसी भी आरोपी से इस तरह मसाज करा पाए? ये तमाम सवाल सर अब उठ रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, और आज जब ये कहा जा रहा है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बकायदा रेप का एक आरोपी है जिससे मसाज करवाया जा रहा है। देखिए, मैंने ना आपको पहले दिन ही जब आपने मेरा बैठ लिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये प्रिजनर है, ये मैंने उस टाइम भी कहा था। बाकी देखें, जब क्या है कि जब कोई प्रिजनर आता है, जो मैं आपको जेल की प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि क्या प्रैक्टिस है, कि अगर कोई प्रिजनर कहता है कि हम उसको मसाज अच्छी करनी आती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो किस ऑफेंस में है, जनरली ये नहीं देखा जाता वो किस ऑफेंस में है, और अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो सर्विसेज दे के, मुझे लगता नहीं कि उसके बाद भी हमें पता होता हो कि ये पॉक्सो में था या किसी और केस में था। कई बार मैंने देखा टेररिस्ट भी आते हैं, टेररिस्ट कहते हैं कि वो ये इलेक्ट्रॉनिक का काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, हम उनसे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम भी करवा लेते हैं। मुझे याद है कि एक किडनैपर था, उसने मुझे कहा कि मैं जन्मपत्री बहुत अच्छी बना देता हूँ, तो उसने कई जेल अफसरों की जो उसने जन्मपत्री भी बना दी थी। तो ये जनरली ऑफेंस देखा नहीं जाता कि किस ऑफेंस में है, जनरली उसकी सर्विसेज के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। ये जेल की प्रैक्टिस है, बेशक इलीगल है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका जुड़ने के लिए। अब दो सहयोगी भी इस वीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हिमांशु हमारे साथ है, कुमार कुणाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, ये अब बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से कि फिजियोथेरेपी की बात आप कर रहे थे, लेकिन ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है ही नहीं, ये तो एक रेप का आरोपी है जो मसाज कर रहा है। यानी अब बीजेपी के वो आरोप तो सच दिख रहा है जिसमें बीजेपी कह रही थी कि कोई फिजियोथेरेपी नहीं हो रही, ये मसाज चल रहा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा संगीन आरोप भी है, क्योंकि अगर इस तरीके का मामला है कि एक आरोपी जो कि इस तरीके से मसाज दे रहा है, तो जेल मैनुअल का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और इसलिए अगर उनका मेडिकल कंडीशन भी है सत्येंद्र जैन का, जिसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत भी है, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए इस तरीके का की फिजियोथेरेपी दिलवाई जाती है, ना कि किसी भी इनमेट के जरिए जो कि कैदी है, और कैदी भी संगीन मामले में है। तो अगर ये पूरी बात और सत्यता जिस तरीके से जेल के अथॉरिटी, जो जेल के सोर्सेज है, वो कंफर्म कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत संगीन मामला है, और इस पर जो कार्रवाई है वो तो होगी ही। सियासी तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया खुद आए थे, उन्होंने डिफेंड किया था, और उन्होंने यहाँ तक बीजेपी को कहा था कि इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंटबाजी से बचना चाहिए, कि एक व्यक्ति जिसको मेडिकल की जरूरत है, उसे अगर कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो उस पर आपत्ति क्यों है बीजेपी को। तो ये अगर सत्यता है इसमें कि ये कैदी है, और उसमें भी इतने गंभीर आरोप है जिसमें पॉक्सो है, रेप की भी धाराएं हैं, तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, और क्या जेल मैनुअल इसको अनुमति देता है, इसकी अनुमति देता है, ये तमाम सवाल उठेंगे। और तमाम सवाल सिर्फ कार्रवाई के तौर पर नहीं, बल्कि चूंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, उन दोनों चुनावों में भी काफी ज्यादा तरीके से इसको विपक्षी पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस भी उठाएगी। तो ये कई तरीके से आम आदमी पार्टी को इस पर अब जवाब देने की जरूरत है, सियासी तौर पर भी, और साथ ही साथ चूंकि सत्येंद्र जैन ने अभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी वो दिल्ली सरकार में मंत्री है, और पहले जेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके क्या प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा था, इस पर भी जवाब जरूर देना पड़ेगा।